लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा कर दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में प्रथम चरण यानी कि 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर पौड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान का कहना है कि चुनाव आयोग से मिले दिशा निर्देशों को लगातार धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके साथ ही 24 से 48 घंटों के भीतर आदर्श आचार संहिता के संबंध में जो भी काम किया जाना है उसे जल्द से जल्द करवाने के लिए सभी उपजिलाधिकारी को उनके द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। चुनाव आयोग का मकसद है कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाया जाए, जिसको लेकर पौड़ी जिले ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आज अधिसूचना जारी की गई है उसके पश्चात में हमारा एमसीसी जो है वो इफेक्ट में आ गया। 144 PR हमारी स्टार्ट हो रही है और एमसीसी के जो SOP का 24 hours, 48 hours, 72 hours के जो हमारे जो भी प्रोविजंस होते हैं SOP होती है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाएगा। नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 20th है और उससे रिलेटेड जो भी 19th हमारा पोल डे है और फर्दर जो भी डेट्स हैं उसमें नोटिफिकेशन के साथ साथ में दी गई और निष्पक्ष रूप से और अधिकतम मतदाताओं के माध्यम से जो प्रतिभाग किया जाना है यही इसमें अपेक्षित है और इस संबंध में हमारी जितनी भी तैयारियां वो आरंभ हो चुकी।